देखो सिंगल रोड्स पे ना ये थोड़ा झमेला रहता है, ओवरटेक के चक्कर में क्या तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है बस और गाड़ी का भाई। तो काफी अच्छा एरिया लग रहा है, छांव भी है, आराम से शूट हो जाएगा यहाँ पे भाई। तो बस ये ऑलमोस्ट हो गया हमारा, अभी इसको भाई अभी जंगल में यहाँ पे हम शूट कर रहे थे संस्कारी सुमित भाई के चैनल के लिए, तो पुलिस पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब आ गए भाई, तो भगा दिया अभी हमें। इंडियन बैकपैकर करके जो स्कॉर्पियन से पूरी दुनिया घूम रहा है एक बंदा, तो वो यही है भाई। चलो भाई दोनों शूट कंप्लीट हो चुके, अब आप बताओ कैसा लग रहा है किचन सेटअप एक एक करके? लग रहा है एक नंबर, हाँ। सब कुछ है, वॉश बेसिन वगैरह जैसे घर वाली जैसी किचन होती है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है बिल्कुल। तौलिए साबुन पानी सब कुछ चुरा लो, रिसोर्ट वालों का बस पकड़े मत जाना। क्या क्या चला रहे हो सुबह सुबह है? साबुन पानी सब कुछ चुरा लो, रिसोर्ट वालों का बस पकड़े मत जाना। वो देखो भाई वो रहा शुभम, अब ये स्पीकर में क्या चलाएंगे देखना। साबुन पानी सब कुछ चुरा लो, रिसोर्ट वालों का बस पकड़े मत जाना, बिल्कुल शिवम भरेगा। तौलिए साबुन पानी सब कुछ चुरा लो, रिसोर्ट वालों का बस पकड़े मत जाना, बिल्कुल शिवम भरेगा। भाई वही तेरे बच्चे के माँ बनने वाले शिवम। अच्छा नहीं भाई अभी तो भाई चला भाई चला, मैं खुश हो रहा बहुत। भाई और कौन है? मैंने नहीं कही कुछ भी, चला चला। कल तक थे आग नहीं तेरे साथ। शिवम में आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, शिवम में आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, शिवम में आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे वापिस आ चुकी हूँ भाई, सुबह से चला रखे ड्रामे कभी कुछ कभी कुछ। तो चलो जी चेकआउट करने का टाइम हो गया, बैग वैग सब पैक कर लिया, सूट दोनों पैक है, सूट केस भी पैक है, बाकी ड्रोन ड्रोन वाला बैग अलग से ले जाएंगे। तो भाई अभी सुमित भाई आ रहे हैं, उनको गाड़ी का रिव्यू करना है, जो मैंने पूरा कैंपिंग सेटअप बनाया ना पीछे उसका, वो शूट होते ही सीधा डायरेक्ट हम निकल जाएंगे। अभी फिलहाल 12:30 हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल 1:30 या 2 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे शूट वूट करके, और उसके बाद वही 6 घंटे का रास्ता है, तो मतलब 8-9 बज जाएंगे भाई। और मेरे पास कल का टाइम है, हम फिर एक अगली ट्रिप पे निकल रहे हैं स्कॉर्पियो को लेके। इस बार शादीवादी की ट्रिप नहीं है, इस बार घूमने की ट्रिप है प्रॉपर, और थोड़ी लंबी ट्रिप है, तो उसकी भी पैकिंग वैकिंग करनी पड़ेगी घर जाके, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। हमारा रास्ता भाई लगभग 300 किलोमीटर का है, तो सुमित भाई कहीं रास्ते में ही रुकवाएंगे और वहीं पे ही शूट वूट कर लेंगे हम फिर। काकी सबको बाय बाय टाटा बोल दिया है, अभी सब लोग तो नोएडा जा रहे हैं अपने घर पे उनके, अब देखते हैं हम नोएडा जाएंगे अपने घर जाएंगे, क्योंकि भाई टाइम की कमी है, जैसे कि मैंने बताया अगली ट्रिप के लिए भी तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा कट टू कट चल रहा है। तो भाई रिजोर्ट से निकलते ही ना 100 मीटर पे ही जगह मिल गई अपने को, तो काफी अच्छा एरिया लग रहा है, छांव भी है, आराम से शूट हो जाएगा यहाँ पे भाई। ना ना आपने तो पार्किंग में लगा दिया, यहाँ का भी लगा सकते हैं। ना नहीं यार निकालना पड़ेगा। तो बस ये ऑलमोस्ट हो गया हमारा, क्या अभी बंद करिए, कहीं हो गए तो बंद करिए, क्योंकि जगह ही नहीं होते है ना, तो कहीं नहीं करिए। आप अच्छे आप यूट्यूबर हैं, अच्छी होती अच्छी जगह बनाइए आपने वीडियो, जंगल में यहाँ पे हम शूट कर रहे थे संस्कारी सुमित भाई के चैनल के लिए, तो पुलिस पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब आ गए भाई, तो भगा दिया भाई हमें, वो कह रहे अलाउड नहीं है शेर वेर आ सकते, जो कि एक्चुअल ठीक बात है उनकी। चलो तो हमने कहा ठीक है कोऑपरेट करते और चले जाते हैं। वैसे तो भाई ऑलमोस्ट शूट हो चुका था, 5 से 10 मिनट का शूट बचा है, तो कहीं पे किसी रेस्टोरेंट के बाहर या रिजॉर्ट के बाहर लगा के कर ले। तो सही बात है यार, उनकी भी ड्यूटी है, कल को शेर आ जाए एक्चुअल में हमें ही खा जाए, तो उन पे ही नाम आएगा ना कि आपने रुकने कैसे दिया, करने कैसे दिया, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है चलो। ये इंडियन बैकपैकर करके जो स्कॉर्पियन से पूरी दुनिया घूम रहा है एक बंदा, हाँ वो तो वो यही है भाई। हाँ नई वाली स्कॉर्पियन, हाँ हाँ ये पूरे 55 देश घूमे है ना, तो वो यही है, अब यहाँ पर आए थे। सब कुछ हो गया, सिर्फ 5 मिनट का लास्ट का रह गया है ना इसमें, तो बस वो शॉर्ट है ना, एक्चुअल में क्या फ्रेम चेंज हो जाता है ना, लेकिन आप यहाँ पे नहीं। देखो सिंगल रोड्स पे ना ये थोड़ा झमेला रहता है, ओवरटेक के चक्कर में क्या तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है बस और गाड़ी का भाई।
सेफ हो भाई सब लोग होपफुली। अब ये मेरे ख्याल किसकी गाड़ी वाले की गलती है, बस तो अपनी लेन में ही थी, गाड़ी वाला आया भाई। अब लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं एरिया, तो यहाँ तो शूट कर नहीं सकते वरना फिर कोई आ जाएगा या रिस्क भी है थोड़ा। तो अब देख रहे हैं 4-5 किलोमीटर आगे जाके कोई शहर या गाँव आए ऐसा जहाँ पे हम रोक सके गाड़ी और शूट कर सके थोड़ा सा। बाकी अपने साथ गाड़ी में अरुण भाई बैठ गए, एक वीडियो अरुण भाई के चैनल पे भी आएगी, ओनरशिप रिव्यू। हाँ भाई चलो, वो वहाँ पे बनाई थी ना थाईलैंड में, इंडिया पहुँच करेंगे तो अच्छा मौका मिल गया एकदम। उनकी तो हो चुकी है वीडियो ऑलमोस्ट शूट, बस 5-6 मिनट का ही शॉट रह गया एंडिंग का, वो निपटा के फिर अरुण भाई के साथ करेंगे। अब निकल ही रहे हो घर ही, फिर सीधा ना निकल ही रहे थे हमको तो रस्ते में दिख गए ऐसे, तो रस्ते में फिर खाने के लिए रुकेंगे बस, है ना, बाकी तो खींच ही देंगे। बाकी इनकी गाड़ी में भी कौन कौन है, ध्रुव भाई है और नहीं मोनू भाई है और यस भाई, बस वो तो अपनी बलेनों में आए थे ध्रुव भाई, अड़ता वो चले। तो इनके पास दो चलाने वाले हैं, तो अगर बीच में मेरे को लगा कि कमर दुख रही है तो इनमें से किसी एक को अपनी दे दूंगा ना चला के। चलो ठीक है, फिर एक ही गो में खींच सकते हैं, बस खाने खाने के लिए रुकेंगे रस्ते में, और अपना 7-8 बजे मेरे हिसाब से ये लोग अपने पलवल के वहाँ पहुँच जाएंगे, हम गुड़गांव पहुँच जाएंगे। आपको ज्यादा लगता है क्या 4-5-6 घंटे? नहीं, ड्राइव ज्यादा नहीं लगती मेरी, अभी क्या ना वो हो रहा है स्लिप डिस्क हो रही है तो इसलिए लगातार चलाने में थोड़ा दिक्कत है। मैं क्या करता हूँ, मैं 1 घंटा ड्राइव करता हूँ, 15 मिनट वॉक करता हूँ, फिर 1 घंटा ड्राइव करता हूँ, 15 मिनट वॉक, तब जो है वो सोन भाई नहीं करते क्या ड्राइव? नहीं, वो अब उसको सिखा रहे हैं बस, तो अगली ट्रिप पे होपफुली उसको आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अकेले चलाने में समस्या है। अब वैसे तो चलाई हमने, जैसे हम वहां से मेरे ख्याल इटली स्विट्जरलैंड से वहां गए थे फ्रांस, तो एक दिन में 900 किलोमीटर चलाई थी, तो पर उस वक्त कमर का थोड़ा ठीक था हिसाब किताब, अब थोड़ा ज्यादा हो गया। वहां के रोड भी तो बढ़िया रहते हैं, वहां तो मतलब 9 घंटे में 900 किलोमीटर, हां वही तो, वो भी बीच में खाना वाना रुकना डीजल डलवाना सब मिला के था। अब यहाँ के भी मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर ही इस तरह की रोड है भाई, उसके बाद तो फिर प्रॉपर हाईवे आ जाएगा, तो 100-110 की स्पीड तो वहाँ भी मेंटेन हो ही जाती है आराम से, तो वहाँ की दिक्कत नहीं होगी। और रात में वहाँ ड्राइव करने में समस्या नहीं, यहाँ ज्यादा समस्या है, जिस तरह का भी एक्सीडेंट हुआ ना देखा आपने, ये ज्यादा रिस्क रहता है। चलो भाई दोनों शूट कम्प्लीट हो चुके, अब आप बताओ कैसा लग रहा है किचन सेटअप एक एक करके? लग रहा है एक नंबर, सब कुछ है, वॉश बेसिन वगैरह जैसे घर वाली जैसी किचन होती है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है, परफेक्शन। तो देखो यार, पता कुछ सोचने वाली बात है, लोग कितने टैलेंटेड यार इंडिया में, बिल्कुल बिल्कुल, कारपेंटर मतलब हर एक चीज को ऐसे ढंग से यूज में ले लेना, ऐसी फिट एंड फिनिश तो टाटा भी नहीं दे पाता अपनी गाड़ियों में। ये है कि फिट एंड फिनिश तगड़ी बनाई है ना, आप बताओ। नहीं मस्त लगा, मेन चीज है जो स्क्वायर शेप में यहाँ पर लेकर ना, सबसे पहले चीज इसको बिल्कुल स्क्वायर लिया, जिससे यहाँ जहाँ से यहाँ जगह बन गई। अच्छा स्क्वायर तो लिया ही है, नीचे से वाटर लेवल पे भी करा इसको, क्योंकि नीचे तो उबड़ खाबड़ है, तो पूरा बत्ते लगा लगा के बना के फिर इसको, अब ऊपर से आप देखोगे ना तो वाटर लेवल पे है पूरा, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं लगता ना नीचे वो टेढ़ा मेढ़ा जो होता है। लेकिन भाई बना बिल्कुल सेट है, और हाँ जिसे लटकना लग रहा है ये वो भाई ने बताया वो नीचे स्टैंड लगेगा। इसका क्या यूज है? ये ट्रे है, खुल जाती है ऐसे, इस पे सामान वगैरह रख लो कुछ भी। बढ़िया है, महिंद्रा वालों ने कर्व दिया है इसीलिए कैंपिंग के लिए दिया होगा। दूसरा इसका फायदा ये है, जब ये सेटअप बंद होता है ना तो ये चीज और ये चीज बिल्कुल टच टू टच होती है, तो चलती गाड़ी में कुछ भी बचता नहीं है, पूरा पैक्ड रहता है भाई। इन चीजों के लिए तो जिस तरह का काम है ना, ये सेटअप बना है उसके लिए यही गाड़ी, जितनी ऊंची रूफ उतना बढ़िया, जाइलो टाइप की हुई जिसमें बहुत अंदर वैसा टाइप क्लासिक हुई, उसमें बड़ा ओमनी इको जाइलो थार स्कॉर्पियो एन बढ़िया, बाकी प्राइस बताया ना 45,000 में, प्राइस के हिसाब से तो बहुत सही लगा। और सबसे सही चीज, मैंने वो वीडियो देखा था, इसने कहा कि भाई करने को देखो ये आदमी कर सकता है, लेकिन एक बार करेगा जब उसे यूज करेगा फिर कोई कमी लगेगी। बिल्कुल हाँ। यार फिर वो 4-6 बार का जो बार बार इटरेशन हो ना, उससे अच्छा इसने कहा भाई मैं क्यों सिरदर्दी लूं। और क्या, किसी ने जब ऑलरेडी मेहनत कर चुकी है उस पे डिजाइन पे, तो उन्हीं का डिजाइन करवाऊ ना फिर। तो ये सबसे सही चीज लगी थी, सीधा करवाया और भाई ने, और मैं खुद भी करता तो मेरे को लगता है 30-35,000 तो वैसे भी लग ही जाते, तो वो 10,000 ज्यादा लगता है भाई। हाँ, वो भी लगता है, उससे ट्राई करते हैं ना तो चीज वेस्टेज बड़ी होती है ना, एक बार कुछ करा बिगड़ा फिर दोबारा फिर करा। हाँ। और तो कारपेंटर की भी दिहाड़ी देनी पड़ेगी अलग से, पागल अलग हो जाएगा कि मैं किस पागल पे बैठा। हाँ सही बात है, जरूरत क्या पड़ी आपको, मतलब अच्छे खासे तो खाते थे पीते थे, खाई तो नहीं पाते थे। जैसे अब थाईलैंड में क्या है ना, पटाया और बैंकॉक में तो मिलता है, लेकिन हम एंटर कर रहे थे बिल्कुल गांव वाले बॉर्डर से, वहां पे हमें खाना ही नहीं मिल रहा था। अपने होटल में दिन भर हम भूखे रहते थे, रात में होटल में जाके राजमा चावल बनाते थे, सोचो पूरे दिन के भूखे ट्रेवल करके। अब इसमें क्या, किसी भी हाईवे पे स्टॉप पे लगाओ साइड में, अपना दोपहर को खाना बनाओ खाओ और निकल जाओ आगे, तो ये एक फायदा रहेगा थोड़ा सा। आप लेकिन वो बस मैगी वैगी तो बना सकते हो, और मैगी रेडी टू ईट गरम कर लो कुछ भी, चावल बना लो अपने, चाय कॉफी बनानी है भूखा होना बिल्कुल, तो कुछ भी मिल जाए, मैगी मिल जाए भाई, अंडे तो हर जगह मिल जाते हैं, नमक मिर्च लेकर चलो, ऑमलेट बनाओ, ब्रेड टोस्ट बनाओ, बटर ब्रेड बनाओ, गरम करो, सैंडविच खाओ, और क्या चाहिए।
कुक विद अनमोल जायसवाल बाहर विदेश में हाईवे पे स्टॉप कर सकते हैं। बाहर ना क्या है, जैसे एक तो होते हैं पेट्रोल पंप्स, तो वहाँ पे तो आप कुक नहीं कर सकते, लेकिन एक ना इसी तरह के ग्राउंड्स बने होते हैं साइडों में, कहीं भी नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, नहीं वहाँ के पेट्रोल पंप यहाँ वाले पेट्रोल पंप से 20-30 गुना बड़े होते हैं, समझ लो आप। बेबी होती है। हाँ, वहाँ पे ट्रक की भी अलग से जगह होती है पूरा फ्रेश होने के लिए बहुत। बट उसके उसके अलावा भी हर 10-12 किलोमीटर में ना एक स्टॉप बना रखा होता है, जहाँ पे एक पोर्टेबल वॉशरूम भी रखा होता है उन्होंने, टेबल भी रखा होता है कि किसी को खाना खाना है बैठ के, वहाँ पे आप कुकिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। जो ट्रकर होते हैं वो लंबे वहीं रोकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ के पेट्रोल स्टेशन की अच्छी बात क्या है, आप रात को कैंपिंग कर सकते हो, और वहाँ पे नहाना हो नहाने के लिए भी जगह मिलेगी, वॉशरूम चाहिए साफ सुथरे वो भी मिलेंगे, सब अलग। नहीं, €1 होता है 100 रुपए के आसपास लगभग। यहाँ तो भाई जंगलों में खड़े नहीं होने। मैं कहने वाला था अभी, मैंने कहा भाई ये अभी मैगी बनाने की कह रहा हूँ, यहाँ तो ये हाल है, खाली शूट कर रहा हूँ, कहते रहे मैगी बना दो, मैगी बीच में रह जाती है, अधूरी रह जाती है। सही बात, चलो यहाँ तो चलो वैसे भी रिस्क था कि फॉरेस्ट एरिया है, बट वैसे जनरली आप कर सकते हो कैंपिंग। भाई जो भी देखो इम्पोजिंग अथॉरिटी होती है ना, बस वो अपनी जगह सही होती है, कहीं भी चले जाए। हाँ, ये तो इस तरह के पॉइंट देगी आपको कि आपको लगेगा हाँ यार मैं ही गलत था, वो सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये है हम यहाँ भी शूट कर रहे हैं, अब भी जंगल में ही है, ये रहा जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल है ना, लेकिन बस वही हो जाता है यार, बहस नहीं होती। नहीं बस ये हो जाता है, अपने घर में तो भाई बिल्ली भी शेर बने, बस यही हो जाता है, रिजर्व में शेर ही है, कुछ नहीं है, बस यही बात। तो ओवरऑल सही है गाड़ी, बढ़िया परफेक्ट बनाई है भाई गाड़ी आपने। चलो अब इसमें नया रैप वैप चढ़ेगा तब एक करेंगे शूट अच्छे से, जब ट्रिप के लिए निकलेंगे। नहीं सामान नहीं रखते हम, अंदर ही रखते हैं सब कुछ, नहीं अंदर ही रखते, इसी के ऊपर आएंगे, 6 duffel bag आएंगे, लेकिन इसको फिर वो बैगों को उतारना पड़े रात को, जब आपको ये सेटअप रेडी करना है उस वक्त सीट पे रख दो आगे फ्रंट सीट पे। नहीं जैसे मान लो लंच बनाना है तब तो फिर तो नहीं निकालना पड़ेगा ना, ये सेटअप में तो बैग का लेना देना ही नहीं, बैग तो यहाँ रखे जाएंगे, ये तो खुल जाएगा बस। हाँ ये जो सीट लगी हुई थी ना जैसे जिन स्क्रू पे, उन्हीं 2 screw पे पूरा ये सेटअप है। तो अब ये क्या, आपको अगर पूरा सेटअप निकालना भी है ना, वो 2 screw खोलो सारा बाहर। ऐसा काम कर रहा है, क्यों रोजी रोटी खानी इस बंदे की, सस्ते रेटों में रहा तो भाई के लिए पूछ रहा हूँ, तो 45,000 में अच्छा खासा दे रहा है, तो मैं हर जगह फिट एंड फिनिश मेरे को मेन लगी कि बढ़िया काम करके अच्छा वाला। और जो ये चैनल्स भी है ना, ये भी ब्रांडेड यूज करे ताकि जल्दी से खराब ना हो, हेटिक वगैरह के। अच्छा वो जो बंदा है हाँ, वो अपना एन के लिए ही करता है? नहीं नहीं, उन्होंने i20 में भी करा है और एन में भी करा, मतलब बीच की सारी गाड़ियों में हो जाता है। तो i20 के लिए देखना हुआ है, उसमें यार स्पेस कितना रहता होगा, तो स्लोपी रूफ है पीछे की। हाँ, थोड़ा सा हाइट कम है, कैटेगरी है ना ट्रैवलर वाले बहुत तगड़े है। ये कपड़ा भी बेस ट्यूब वाला ही सुना है। कौन सा वाला? बेस ट्यूब वाला। अच्छा, बेस ट्यूब उनके ड्रम में होता है जो साइड में। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी आप चादर फिसलते नहीं है, इसमें चाहे गद्दा भी बिछा दो कुछ भी बिछा दो वो फिसलेगा नहीं, सबसे सही रहता है, ये बसता नहीं एक तरह से, कुछ भी चीज होगी खटकेगी नहीं, हल्के फुल्के डस्ट जो है वो ही अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये अच्छा, एक नेगेटिव बताओ मुझे इनका, इस गाड़ी में 120 volt का सॉकेट नहीं है, पीछे ही है, इतने बड़े वो हर चीज गैजेट वगैरह आपको चार्ज करनी है। अब वो USB इतना फास्ट होता नहीं है नॉर्मल, भाई आप वो कैसे करते हो? आओ दिखाता हूँ। वो ही तो उसका भी जुगाड़ है, सबसे पहला जुगाड़ करा ही वही था, क्योंकि बड़ा नेगेटिव नहीं है, करना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे एक सॉकेट लगवा लिया है। अब इसमें आप कैसे लगा, मतलब आफ्टर मार्केट लगा। अब ये इसमें है 100 volt का चार्जिंग, आप इससे लैपटॉप चार्ज कर लो भले ही अपना, मतलब फुल स्पीड में, फुल स्पीड में, फोन तो 20 मिनट में चार्ज कर देता है फुल। नहीं भाई, लेकिन उसका करंट वरंट कहाँ से दिया, वो तो बैटरी से डायरेक्ट हो जाता है इग्निशन पे, इग्निशन पे कुछ नहीं है। वारंटी तो मैं बाहर भी नहीं ले पा रहा, जितनी चलानी है मुझे भारी चलानी है, तो क्या लेना देना, करवाना तो 40,000 रुपए देखी है। महिंद्रा को जरूरत नहीं लगी, लगनी चाहिए थी बिल्कुल। ये हो गया कि 12 वोल्ट वाले निचले दर्जे के हैं। नहीं बट इन्होंने ना, इन्होंने डिक्की में जो दिया है उसमें भी क्या है ना, एक कार इन्वर्टर आता है, तो लंबी तार होती है, आप वहां से कनेक्ट करके भी वो एक्सटेंशन को यहाँ यूज कर सकते हो। थोड़ा काम झाम वाला चीज है ये, बेस्ट लगा यहीं पे लगवाओ, गियर नॉब के साइड में अपना यूज करो। एक दे रखा था डैश कैम लगाना है, हाँ वो यूज करो अपना। हमारी इंडेवर में दो भाई है। हाँ इंडेवर में थे बड़े भाई। तो भाई कुछ खाया नहीं था आज, तो इसलिए आसपास से ही मैगी ले लिया। अभी हम बना तो पाए नहीं क्योंकि था नहीं सामान, बट बनी बनाई मैगी लेके यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हैं। आ जाओ भाई लोग खाए। चलो जी भाई लोग, सब लोग निकल रहे हैं, अरुण भाई तो डायरेक्ट ही जा रहे हैं, हम भी डायरेक्ट अपने घर जा रहे हैं, नोएडा का प्लान कैंसिल, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, 6 घंटे का मतलब है 9-10 बजे घर पहुंचेंगे।
मैगी खा तो लिया, थोड़ा बहुत पेट भर गया है, बट फिर भी लंच डिनर तो करना ही पड़ेगा ना कहीं पे। बाकी लेट्स गो भाई, कैंपिंग होगी, थोड़ा मैगी वैगी खा के देख लिया जंगल में। ये देखो पूरा का पूरा भाई ये जिम कॉर्बेट का एरिया है। चलो गुड़गांव पहुंच गए हैं, सोहन का घर आने वाला है, तो पहले सोहन को छोड़ूंगा, उसके बाद फिर अपने घर पहुंच जाऊंगा 10-15 मिनट में। ओ भाई साहब गड्ढे टाटा। चलो भाई चलो, हम भी घर चले अपने। चलो जी चलो, पहुंच गए हैं घर, 10:00 ऑलमोस्ट पहुंचते। नेक्स्ट मॉर्निंग, बाकी भाई मेरी वाली फ्लोर का भी पेंट जो है वो अब फाइनल स्टेजेस पे ही है। ये देखो बीच का ग्रूव ब्लैक कर दिया गया है और ये वाली पूरी वॉल अपनी रेडी हो गई है। इसकी सीएनसी कटिंग मस्त हुई है भाई, जो गैप वैप है ना जॉइंट, मतलब वो दिख नहीं रहे कहीं भी, है ना, मैच हो रहे हैं पूरे, तो ओवरऑल अच्छा लुक आ रहा है इसका और कलर भी ग्रे बढ़िया लग रहा है। बाकी अब सीडियो वीडियो का पेंट चल रहा है भाई सारा, यहाँ पे पेंट पुट्टी करा जा रहा है। और जो बेडरूम है, बेडरूम में भी पेंट तो हो गया ऑलमोस्ट फाइनल, ये देख लो भाई ऊपर का, बस आज लूअर का काम शुरू हो चुका है। तो ये जो पूरा लूअर का पैटर्न आना है नीचे से ऊपर करते हुए दूसरी टीवी यूनिट तक, वो सारे आज लग जाएंगे, एंड इधर के भी लूअर आज लग जाएंगे पूरे जैसे, तो बढ़िया। ये रूम भी ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगा। बाकी बाथरूम में जो वो लीकेज वीकेज की कुछ दिक्कत आई थी, वो पूरा ना ये उतरवाना पड़ा, और इसके पीछे टाइल तुड़वा के पाइप लीक था वो सही करवाना पड़ा, अब जाके जो है वो फाइनल हुआ है। तो अब इसका भी पेंट जो है देखो होना शुरू हो गया, सीलिंग का भी हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट मतलब 2-3 दिन का ही काम है पेंट का यहाँ का मेरे हिसाब से। बाकी वार्डरोब वाले कुछ कुछ सेट कर गए हैं, बाकी का बचा कुछ अभी आगे कर जाए तो निपटे ये काम भी, और यहाँ का भी पेंट हो जाए फिर तो देखते हैं। होपफुली भाई ट्रिप व्रिप से जब मैं वापस आऊँ तो ये फ्लोर रेडी हो चुकी होगी, ताकि मैं आते ही अपना सामान सीधा ऊपर शिफ्ट करूँ, क्योंकि भैया जकूजी लगवाया तो यूज़ भी तो करेंगे हैं, इतना बड़ा शावर लगवाया है वरना क्या फ़ायदा, यूज़ ही नहीं करा। फर्स्ट फ्लोर से मैं सेकंड फ्लोर पे फिर शिफ्ट हो जाऊँगा। बढ़िया, इनकी भी ये शीटों की भी पन्नी वन्नी उतारनी है, अभी देखना कितना गंदगी लग रही है। बट ये सब शीट के ऊपर नहीं है, ये सब पन्नी पे है, ये देखो अंदर शीट तो चमक रही है भाई एकदम, तो ये पन्नियाँ भी उतरवाऊंगा और फिर फ्लोरिंग भी क्लीन वीन होएगी पूरा, वही नो ब्रोकर या अर्बन कंपनी से बुला के सफाई करवा लूंगा यहाँ की सारी फिर। और सबसे मेन तो भाई अपना पीसी सेटअप लगाना है यहाँ पे, क्योंकि 26 अक्टूबर को कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 लॉन्च हो रही है, तो उसका शूट वूट भी करना पड़ेगा, और वो जब तक होगा नहीं जब तक मेरा पीसी सेटअप नहीं होगा। ऑफिस में कर सकता हूँ थोड़ा, बट वहाँ पे एक्स्ट्रा झमेला करना पड़ेगा सेटअप करने में, यहाँ वाले पीसी में सारे सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। तो एक बार अगर ये रेडी हो गया ना ट्रिप से आने तक मेरे, तो अपना पीसी सेटअप करके यहाँ पे शूट भी यहीं हो जाएगा बढ़िया। तो इसके लिए मेरे को टेबल तो है वो हाइड्रोलिक वाला डाउन वाला, बस ऊपर का फट्टा बनवाना पड़ेगा उसका, फिर ये भी सेटअप रेडी हो जाएगा। बाकी टीवी भी आया हुआ है इसका भाई, जैसे ही ये लूअर लग जाएंगे फिर जब पेंट वेंट खत्म हो जाएगा ना सफाई हो जाएगी यहाँ से, तो टीवी की इंस्टॉलेशन के लिए बुला लूंगा सोनी वालों को। टीवी ले रखा है भाई 4-5 महीने से और अभी तक लग ही नहीं पाया वो, तो सोनी वाले भी कहेंगे बिलिंग तो इतनी पहले करवाई थी तुमने और इंस्टॉलेशन अब करवा रहे हो, तो होपफुली वो कर दे इंस्टॉलेशन, नहीं करते तो फिर अपने एंड से ही करवानी पड़ेगी भाई बुला के। तो यहाँ पे टीवी लग जाएगा सेंटर में, बाकी स्पीकर वगैरह भी सब कुछ आया हुआ है तो वो भी फिट हो जाएंगे बढ़िया। अब आप देखो भाई मेरे इस वाले बेडरूम में ये 65 इंचेस का टीवी है, जो कि भाई एक्चुअल में खेलने में ना गेम और मूवी देखने में बहुत ह्यूज मजा आता है इसमें, बट अब जो ऊपर टीवी लगेगा ना वो 86 इंच का भाई, 75 भी नहीं 86, सीधा भाई 21 इंच और बड़ा, तो मतलब आप लगा लो ये जो साइडों में भी गैप है ना ये भी पूरे भर जाएंगे, उतना बड़ा टीवी हो जाएगा। अब और चलो रूम भी भाई इससे बहुत बड़ा है, मतलब डायमेंशन वाइज दोनों तरफ से देखोगे काफी बड़ा रूम है, तो ठीक है चलता है ना। अभी फिलहाल खाना वाना खा के ऊपर जाऊंगा लूअर देखते, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे रूम के लूअर्स ना आज में लग जाए रात को, क्योंकि कल तो मैं निकल रहा हूँ ट्रिप के लिए अगली। जी हाँ भाई ये थोड़ी लंबी ट्रिप होने वाली है और मस्त कैंपिंग वैपिंग करेंगे इस वाली ट्रिप में, एंड दोस्त भी जा रहे हैं अपने, कौन कौन है सब वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि लूअर आज सारे लग जाए, ताकि मेरी प्रेजेंस में लगे कुछ भी गड़बड़ हो तो मैं हाथ तो हाथ चेंज करवा सकूं। फिर मैं चला जाता हूँ ना तो भाई ढंग से ना पीछे से काम हो नहीं पाता, ऊटपटांग काम कर देंगे, मटीरियल भी खराब होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, और फिर आके मुझे ठीक करवाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने उन्हें कहा भले ही आज 9-10 बजे तक कर लो, बट करके आज ही दे देना कंप्लीट। बाकी ऑफिस भी जाना है सच, शूट निपटाना है थोड़ा बहुत भाई, इतने दिन के लिए जा रहा हूँ तो दूसरा जो टेक चैनल है उसमें भी तो कंटेंट डलते रहना चाहिए ना। भाई कपड़े मैंने निकाल लिए, कपड़े अभी सारे पैक करूंगा, जो जो हुडी चाहिए मुझे। तो भाई ये बीच वाला तो पार्ट पूरा हो गया ब्लू, ये देखो टीवी यूनिट में भी लग गया, ऊपर छत पे भी हो गया है, एंड ऐसी सेम टू सेम बेड वाली साइड भी हो गया है। अब इस साइड और उस साइड लगेंगे व्हाइट, तो सेम वही पैटर्न रिपीट होगा, तो ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, बस जो नीचे जगह रहेगी थी वहां फिट किया जा रहा है।
बाकी ये यहाँ पे मेरा सोफा लगने वाला है इधर, तो सोफा के बैक में भी जो लूअर लगने थे वो भी आप देख सकते हो लग चुके हैं इस वक्त पूरे, मतलब नीचे के रह गए, ये कम पड़ गए पीस, तो ये पीस अभी मंगवाने पड़ेंगे। अभी फिलहाल एक चीज अटक रही है भाई, यहाँ पे जो कर्टेन ट्रैक लगेंगे ना वो मैंने किसी कंपनी के मंगवाया ऑनलाइन, मोटराइज वाले, मतलब जो बटन से खुल जाते हैं बंद हो जाते हैं, कंपनी वाले तो इंस्टॉलेशन करते नहीं, और जिन्होंने हमारे बाकी पर्दे लगाए वो कह रहे हैं कि वो हम अपनी कंपनी का ही ट्रैक लगाएंगे, दूसरी कंपनी का ही लगाएंगे, तो गुड़गांव में आसपास पता करना पड़ेगा कोई ट्रैक की इंस्टॉलेशन कर जाए विद मोटर, मतलब मोटर और ट्रैक हमारे पास पड़े हुए, बस इंस्टॉलेशन करवानी है, और पर्दों के साइजेस भी दे दिया, तो होपफुली 5-6 दिन में पर्दे भी बन के आ जाएंगे। पेंट वेंट भी ऑलमोस्ट फाइनल है, बस सफाई वाले बुलाने पड़ेंगे अच्छे से रगड़ रगड़ के, सारी ये विंडो वगैरह सब कुछ साफ कर दे, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही है भाई अभी तो यहाँ। जहाँ बेड का और काम रह रहा है क्विल्टिंग का, उसमें भी फोम लग चुका है, बस कपड़ा फाइनल करके लग जाएगा। पहले कर्टेंस का जुगाड़ करके जाता हूँ ट्रिप पे जाने से पहले, ताकि पीछे से मेरे बन जाए जब तक मैं वापिस आऊँ। तो जी रात के 8 बज चुके हैं और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो है वो होने ही वाला है, इसके बाद लाइट्स और स्पीकर्स की कटिंग वगैरह होगी, तो अब जो एक्चुअल में काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि खाली ब्लू ब्लू देखने पे ना डार्क लग रहा था बहुत, बट अभी अंधेरा भी है थोड़ा, इसलिए जब रोशनी हो जाएगी ना तो ये इतना ज्यादा डार्क नहीं है ब्लू भाई, अभी व्हाइट स्ट्रिप लाइट लगेगी ना पूरी बीच में तब थोड़ी रोशनी बनेगी मस्त एकदम, और साइड वाला इस तरह का ये देखो, बाकी लाइटें शाइटें सारी कटिंग होके अच्छे से फिट हो जाएगी ये देखो भाई। तो होपफुली आज 9-10 बजे तक ये काम निपट जाएगा, क्योंकि कल मुझे निकलना है ट्रिप पे, और अपडेट है उसके लेके भी, निकलना तो एक्चुअल में आज था बट वो एक दिन डिले हो गया, तो क्या रीजन है पूरा वो अगले वीडियो में बताऊंगा, और जहाँ कार्य है वो भी, फिलहाल अभी काम वाम निपटाते हैं सारा। तो भाई सोहन भी रात को यहीं पे ही आ गए, क्योंकि कल निकलना है हमें, तो कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी निकल जाए, बट प्लान भाई जो इनिशियल था वो कैंसिल हो गया, जिन लोगों को साथ में जाना था वो भी कैंसिल हो गया, जैसे कि मैंने बताया अगली वीडियो में बताऊंगा कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, क्या करने जा रहे हैं और कौन कौन जाने वाले हैं। ठीक है जी, बाकी इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, कपड़े यहाँ पे प्रेस करके दे दिए मम्मी ने, बस बैग वैग पैक करेंगे, खाना खा के सो जाएंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय।